अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। आई एम महपाड़ा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इसमें से आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और उनको करना कैसे है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स में से डिस्कस करेंगे। ये है मेरे पास केएलएम एम्ब्रियोलॉजी। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपनी केएलएम एम्ब्रियोलॉजी की जो बुक है ना, इसको आप ले लें, इसको पकड़ लें और आप अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ लें, ठीक है। तो एक पेंसिल ले लें और एक आप अपनी केएलएम एम्ब्रियोलॉजी की बुक ले लें। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स में से देखेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और फिर उसके बाद हम इन ईच चैप्टर आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। और वैसे तो करना सारा ही होता है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से मोस्टली सारा ही करना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं कि उनको जो होते हैं ना नियर द एग्जाम के, हम अगर उनको ही कर जाएं तो हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हर चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक पाथवे मिल जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप लोगों ने इस गाइडलाइन को फॉलो करना है और ऐसे चलना है, ठीक है। जब आप लोगों को जो आपका पाथवे है, जब आप लोगों को आपका पाथवे क्लियर होगा तो आप अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी वर्थी फॉर यू गाइस। इसके बाद आप लोगों को जो है परेशानी नहीं होगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, जनरल एम्ब्रियोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर से हमें क्या क्या अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका, ये जो फर्स्ट चैप्टर्स है इसमें से जस्ट आपने डेफिनेशंस करनी है, इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जिनमें से अक्सर आ जाते हैं प्रोफ में क्वेश्चन, अक्सर इनमें से आता है, ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2, 3, 4। ये 3 चैप्टर्स जनरल एम्ब्रियोलॉजी के। अब अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें ना, एम्ब्रियोलॉजी के होते हैं 2 पोर्शंस, ठीक है। एक होते हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी, एक होते हैं स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। जो एक क्वेश्चन आता है आपको जनरल एम्ब्रियोलॉजी में से और एक क्वेश्चन आता है आपको स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में से। तो जो जनरल है ना, मोस्टली ये भी होते हैं कि दोनों जो दो SCQs आते हैं ना इसमें से एम्ब्रियोलॉजी में से, ठीक है, मोस्टली ये होते हैं कि जनरल में से ही दोनों आ जाते हैं। जैसे हमें हमारे एनाटॉमी के प्रोफ में जनरल एम्ब्रियोलॉजी में से ही दोनों SCQ आए थे, ठीक है। तो इसमें अब जनरल की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले जनरल के जो आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और चैप्टर नंबर 7, ये तो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी के जो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, और बाकी जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में आता है वो है चैप्टर नंबर 5 और 6। इसमें से जस्ट आपने इसको MCQ रिगार्डिंग करना है, ठीक है। ये हो गया जनरल एम्ब्रियोलॉजी का। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी। अब आप लोग इसको साथ साथ मार्क करते जाएं, ठीक है, और ये आपके कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको एक पाथवे मिल जाएगा और बार बार आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, उस चैप्टर के अंदर से हमने क्या करना है। ये जनरल एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, स्पेशल के नाम से जाहिर है, जिसके अंदर हमने एक खास सिस्टम लेना है किसी बॉडी का, अपनी ह्यूमन बॉडी का, और उसकी हमने फीटस में डेवलपमेंट पढ़नी है, ठीक है। जो जनरल है उसके अंदर हमने जनरल डेवलपमेंट पढ़नी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी का मार्क कर लें चैप्टर 14, 15, 16, स्केलेटल मसल सिस्टम डेवलपमेंट, मस्कुलर सिस्टम डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, ये करने। और ये जो चैप्टर 17 है इसके अंदर से जस्ट आपने करने हैं क्लिनिकल्स, ठीक है। जो CNS आना है ये है सेकेंड ईयर MBBS का पार्ट, तो इसके लिए आपने इसके जस्ट क्लिनिकल्स करने हैं, इसके क्लिनिकल्स में से अक्सर आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये मार्क कर लें चैप्टर 19 और चैप्टर 20। चैप्टर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में से आ जाते हैं, SCQ में भी आ जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी का एक ये चैप्टर। अब स्पेशल के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 14, 15, 16, 17,
19 एंड 20, ये हो गए स्पेशल के चैप्टर्स। और ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 चैप्टर्स हैं, ये हैं हमारे पास जनरल एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल एम्ब्रियोलॉजी की मार्किंग कर लेते हैं। देखें, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको बताना कि आप लोगों ने चलना कैसे है। ठीक है, जो एक गाइड होता है उसका यही काम होता है कि वो बताए कि आप लोगों ने किस नक्शे कदम पे चलना है, और उस नक्शे कदम पे चलना जो है, चलने का काम किसका है, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ हैं स्टूडेंट्स जो बस ये कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े, हमारे नंबर आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। और जनरल के लिए जो मैंने आप लोगों को पहले भी काफी दफा बता दिए, ग्रुप में भी बताया है कि जनरल एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपने जो है डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है। ठीक है, डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उनको नोट डाउन करते जाएं और फिर इसको KLM से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। काम करना आपका काम है। ठीक है, मेहनत आप लोगों ने करनी है, फिर आप लोगों को अजर उसका अल्लाह ताला देंगे। ठीक है, तो ये वैसे आप लोगों ने इसको देख के घबराना नहीं है, ये इसके अंदर से ही बातें निकाल के लिखी हुई हैं। ये है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, KLM एम्ब्रियोलॉजी का, इसमें से जस्ट आपने ये डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, इसमें से ये इसका 1.5 पेज का काम है, ये बस आप लोगों ने यहां तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। अब जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट होती है वो है इसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने चैप्टर 2, 3, 4 और 7, ये आप लोगों ने सारे करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, और इनमें से अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर आ जाते हैं। मतलब अब फर्स्ट रीड में क्या होता है, फर्स्ट रीड में हमने सब कुछ करना होता है। ठीक है, लेकिन जब भी पेपर की बारी आती है, पेपर के करीब आके कि अगर हमारे से सारा कुछ रिवाइज नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट हम कुछ टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें जो 90% चांसेस होते हैं कि पेपर में आ जाए। ठीक है, तो वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करना आप लोगों ने सारा ही है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को इसमें से मार्क करवा देती हूँ। ठीक है, ये है फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें से गेमेटोजेनेसिस मार्क कर लें। ठीक है, और ये डायग्राम कर लें, ये कर लें। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपने फिर नंबर भी लेने हैं, तो उसके लिए आपको फिर सिलेक्टिव करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस मार्क कर लें, ओजेनेसिस मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट SCQs है। ठीक है, और उसके बाद आप कर लें इसमें से ये डायग्राम्स कर लें। ठीक है, इसमें से भी MCQ आ सकते हैं, और ये एबनॉर्मल के मीट्स मार्क कर लें, ये आप लोगों ने अच्छे से करने वाली चीजें बता रही हूँ। ठीक है, और ये डायग्राम कर लें, ये OSP में डायग्राम आती है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम, ये कर लें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। ठीक है, और इसमें से इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और आपने फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है, इसको मार्क कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मार्क करवा रही हूँ मैं, वो आप लोग साथ साथ मार्क कर लें, बाकी आप लोगों ने पढ़ना एक दफा सारा ही है, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। और अगर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इनके अलावा अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, और आप कर लें, इसको मार्क कर लें, विजेक्टमी। ठीक है, और फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 2, ये कर लें, इसको मार्क कर लें। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। बाकी ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स OSP के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो डायग्राम्स एम्ब्रियोलॉजी की OSP के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में मार्क करवा दूंगी, तो डायग्राम्स को देख के आप लोग पैनिक ना होना। ठीक है, तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लें। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इट इज ऑल्सो SCQ प्रूफ में आ चुके हैं। ठीक है, और ये फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये SCQ है मोसेसिज्म, ये करना है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और समरी आपने लाजमी करनी है, समरी ऑफ फर्स्ट पेज। ये हो गया चैप्टर नंबर 2।
ठीक है, ये इसको आप लोगों ने रीड कर लेना, ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में भी आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को साथ साथ कह दिया, जो मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, इसमें से आप मार्क कर लें ये इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ये डायग्राम करनी है, ठीक है, ये डायग्राम करनी है, ये डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक सैक मार्क कर लें। एक दफा मार्किंग कर लें तो आपको सारा साल आसानी रहेगी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अब कहाँ से करना है, क्या करना है, डिफरेंट गार्ड्स को जो है फॉलो करने में इतना टाइम लग जाता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इट इज सम ऑफ ऑल गार्ड्स, ठीक है। तो इसमें ये मार्क कर लें, इम्प्लांटेशन साइट्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और समरी आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये डायग्राम्स कर लें कि पेपर में जब क्वेश्चन आ जाए, अगर इम्प्लांटेशन का आ जाए तो आप उसको ड्रा कर सकें। डॉक्टर नजीब की बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उसको देखें आप लोग, साथ साथ देखें, रोज देखें। एक घंटे की वीडियो है तो सुबह आधा घंटा देख लें, शाम को आधा घंटा देख लें, उसको नोट डाउन कर लें। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जब आप फिर उसको KLM से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये करने एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशंस, ठीक है। ये डायग्राम ये ओस्पी के लिए है, ठीक है। और ये जो है ट्यूबल प्रेगनेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रीविया मार्क कर लें, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मार्क कर लें और समरी आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना 2, 3, 4 and 7 दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनमें से ज्यादा कुछ ही करना होता है, ठीक है, इनमें से अक्सर ऐसे क्यों आ जाता है। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें से मार्क कर लें गैस्ट्रोलेशन, ठीक है, और ये प्रिमिटिव सा ट्रिक मार्क कर लें और ये डायग्राम कर लें, इसमें से MCQ आ जाता है, ठीक है। और ये फेट ऑफ प्रिमिटिव सा ट्रिक, इसको मार्क कर लें। ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, इसको मार्क कर लें। ये हमें SCQ आया था प्रोफ में, सेक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा, इसको मार्क कर लें, ठीक है। और ये डायग्राम है इसकी, ये आपने करनी है, ठीक है। और ये डायग्राम करनी है, ये डायग्राम करनी है फॉर प्रोफ, ठीक है। और इसको मार्क कर लें, एलेंटॉइस क्या होता है, न्यूरोलेशन क्या होती है, न्यूरोलेशन, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, प्रिमिटिव सा ट्रिक, ये सारी वीडियोस जो है ना डॉक्टर नजीब की बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। एक गाइड का काम क्या होता है, आपको गाइड करना कि आप लोगों ने करना कैसे है, बाकी करना आप लोगों का काम है। वो मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं कि आप लोगों ने जनरल एम्ब्रियोलॉजी के लिए डॉक्टर नजीब की वीडियोज देखनी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स मार्क कर लें, ठीक है, और ये डायग्राम कर लें। डेवलपमेंट ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये कर लें, इसको मार्क कर लें, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई, इसको मार्क कर लें। ये कोरियोनिक विलाई की डेवलपमेंट और ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कर लें, ठीक है, आ सकता है, चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है। और बाकी समरी तो आप लोगों ने रीड जरूर करनी है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है। इसके अंदर से फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो मार्क कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये डायग्राम कर लें, ये डायग्राम कर लें मार्क। इसको आप लोगों ने, ये सेल्फेस मेडिकोज की वीडियोस हैं, इस पे फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो पे बहुत अच्छी हैं, तो उससे समझ आ जाती है। वैसे एज सच इसकी एनिमेटेड भी इतनी नहीं है नेट पे, तो सेल्फेस मेडिकोज की इसके लिए वीडियोज रिकमेंडेड है, ठीक है। ये टेल फोल्ड क्या होता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोल्डिंग, ये कर लेना। फोल्डिंग तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो जर्म लेयर डेरिवेटिव्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQ में भी आते हैं, SCQ में भी आते हैं और वाइवा में भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर होता है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के वाइवा में। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से रट लेना है इसको, ठीक है, मेमोराइज कर लेना है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसके लिए भी आप सेल्फलेस मेडिकोज की वीडियो देख लेना, ठीक है। और ये डायग्राम्स आपने करनी है, फोल्डिंग में आती हैं। और ये जो जर्म लेयर डेरिवेटिव्स है ना, इसकी ये डायग्राम है, ये आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। इसको कहीं पे आप लोग इसको लिख के इसके डेरिवेटिव्स को कहीं अपने रूम में कहीं पे जो है चिपका लें, ठीक है, ताकि आपकी जो बार बार उस पर नजर पड़े तो आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो ये यहां तक जो है ना, चैप्टर नंबर 5 तक,
ठीक है, ये फोल्डिंग तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना चैप्टर 5 का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम माइनर में है ये, इसको जो है ना आप लोगों ने जस्ट इसकी थोड़ा सा आपने ओवरव्यू लेना है, तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज जस्ट फॉर MCQs, ठीक है, जो SCQ के लिए था ना, यहां तक था फोल्डिंग और डेरिवेटिव तक, तो यहां तक हो चुके। अब उसके बाद ये जो है ये जस्ट फॉर MCQs है, और ये जो है काफी डिफिकल्ट भी है और इतने अच्छे से याद भी नहीं रहता, तो इस पे अपने आपको इतना खपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से MCQ आ जाता है 4th week, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी ये 5th 6th week, ठीक है, इसको जस्ट एक रीड देनी है। इट इज फॉर MCQs, कोई एक आध MCQ आ जाएगा, इसके लिए ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ना डिफिकल्टी में आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो बस इसमें उसके बाद ये करना है एम्ब्रियोनिक एज, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी इतने करने की इसके पीछे खपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें थी ना, वो यहाँ जर्म लेयर डेरिवेटिव्स तक थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने बिहाफ पे इसको रीड देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मैंने अपने बिहाफ पे इसको रीड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो है ना चैप्टर 6, ये भी माइनर में ही आता है, इसमें आपने करना है एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज। ठीक है, सिलेक्टिव करना है, इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें थी वो फोल्डिंग और जर्म लेयर डेरिवेटिव्स तक थी, वो मैंने आपको बता दिए, इसको मार्क कर लें। ठीक है, और इसको ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसको मार्क कर लें, ये टेबल करना है, ये टेबल करना है फॉर MCQ, इसको मार्क कर लें, और ये MCQ है, इसमें से जेनिटेलिया ऑफ मेल एंड फीमेल फीटस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय 12 to 14 weeks। ठीक है, ये जस्ट MCQs के लिए है, तो इसको अगर आप ना भी करें तो कोई एक आध MCQ आपका रह भी जाए तो इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जो मेजर पोर्शन था वो जर्म लेयर डेरिवेटिव्स तक था, ये कर लें। लो बर्थ वेट, इसको मार्क कर लें, इसको कर लें, पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम, और ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीटल ग्रोथ, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लें, और ये प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग फीटल स्टेटस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लें। ठीक है, इसमें ये टेक्निक्स हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, डायग्नोस्टिक एमनियोसिंथेसिस, ये आया हुआ है प्रोफ में, क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, इसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, और ये कर लें एमनियोसिंथेसिस की डायग्नोस्टिक वैल्यू, इसको भी आप लोग मार्क कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग सक्सेसिवली करते जाएंगे ना तब आप लोगों को आ जाएगा। जब आप लोगों ने एक दफा बुक पे मार्किंग की होगी ना, तो बार बार आपको परेशान होने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमने इस चैप्टर में से क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, तो मोस्टली जो है बुक रीडिंग से ही कवर हो रही है, बाकी आप लोग इसके लिए गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं। ये करना है अल्फा फीटोप्रोटीन एंड फीटल एनोमलीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCQ है। ठीक है, MCQ भी आ जाता है इसमें से, और ये करना है, इसको मार्क कर लें, डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ क्रोनिक विलर सैम्पलिंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारा ना, प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग फीटल स्टेटस। ठीक है, वीडियो इज गोना बी अ बिट लॉन्ग, बट इट इज गोना बी वर्थ ही इंशाल्लाह। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, इसको आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं, इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये समरी ऑफ फीटल पीरियड, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब आते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो बाकी है ना, इसको आप लोग अपने बिहाफ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अपने बिहाफ पे पढ़ा हुआ है, तो अपने बिहाफ पे पढ़ लें, ये इस बात को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो हर चीज को मार्क किया हुआ, वो मैंने अपने बिहाफ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि बंदे को होता ही है कि मैं ये भी पढ़ लूं, इस चीज का कॉन्सेप्ट भी ले लूं, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको मार्क करवा दी है, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बिहाफ पे पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से हमें हमारी सेंडअप्स में, प्रोफ में, और प्रोफ की थ्योरी में, और प्रोफ की ओएसपी में, सब में इसमें से क्वेश्चन आया। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, 99% चांसेस के इसमें से आपको SCQ आ जाए, MCQ तो आने ही होते हैं। ठीक है, इसमें से आप मार्क कर लें प्लेसेंटा डिसिडुआ। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए फॉर थ्योरी पेपर, और
ये डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये आप लोगों ने इसको सारा करना है। ये चैप्टर सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन करनी है, ठीक है, और ये डायग्राम करनी है, ठीक है। मेटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन की ये हमें आया था हमारे सेंडअप्स में, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। क्रोनिक विलस का ये हमें आया था हमारे प्रोफ में, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। और ये है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, इसको मार्क कर ले, ठीक है, इसको मार्क कर ले। और नेक्स्ट ये आप कर ले फैक्टर्स मार्क कर ले, ठीक है। और ये फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इसके बस आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। और बाकी इट इज अप टू यू कि आप बाकी स्टफ को अगर रीड करना चाहते हैं तो ऑन योर ऑन बिहाफ फॉर इंक्रीजिंग योर ऑन नॉलेज आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। मार्किंग जो है उसमें आप लोग हॉर्मोन्स कर ले, इनके नेम्स करने हैं, ठीक है। और ये करना है ह्यूमिलिटिक डिजीज ऑफ न्यूनेट, ठीक है। और बाकी जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, तो अगर आप लोग अपने बिहाफ पे इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, लेकिन जो अब मैं आप लोग को मार्क करवा रही हूँ ना, अगर आप लोग वही कर लें तो इट इज इनफ, ठीक है। और ये प्रीक्लैम्प्सिया, इसको करना है तो कर लें, वैसे जरूरत नहीं है, इसको आप लोग अपने फिजियोलॉजी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पार्टोरेशन कर लें, ठीक है। और ये स्टेजेस ऑफ लेबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें, ठीक है। ये डायग्राम कर लें, और इसमें से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लेसेंटल अबनॉर्मैलिटीज। जब आप लोग ये प्लेसेंटा का चैप्टर का लेक्चर पढ़ेंगे ना डॉक्टर नजीब से, तो उसमें आप लोगों की ये अबनॉर्मैलिटीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है। डॉक्टर नजीब ने इसकी 6 अबनॉर्मैलिटीज बताई हुई है, यहाँ पे तो 3 लिखी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमारी प्रोफ की ओसपी में भी आई थी डायग्राम, और ये हमें एससीक्यू भी आया था हमारे प्रोफ में, ठीक है। और सेंडअप्स में भी ये एससीक्यू आया था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इसकी डिस्क्रिप्शन और ये है इसकी डायग्राम, ठीक है। ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मार्क कर लें, ठीक है। और ये एमनियन एंड एमनियोटिक फ्लूइड को मार्क कर लें। और नेक्स्ट पे ये कर लें पॉलीहाइड्रामनियोस कर लें, ठीक है। ओलिगोहाइड्रामनियोस ये क्लिनिकल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से मार्क कर लें, इसको मार्क कर लें। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, ये इसमें से एमसीक्यू आ जाता है, इसको मार्क कर लें, ठीक है। बाकी अगर आप बाकी स्टफ पढ़ना चाहते हैं इट इज अप टू यू, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी है कि वो आप लोग मार्क कर लें। अम्बिलिकल वेसिकल को मार्क कर लें, सिग्निफिकेंस ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल मार्क कर लें इसको, और फेट ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल, एलेंटॉइक्स को मार्क कर लें, ठीक है। एलेंटॉइक सिस्ट ये क्लिनिकल है, इसको मार्क कर लें। और बाकी ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है इसको करने हैं आप लोगों ने। और ये डायजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये आप लोगों ने इसको होल, इसको जो है ना आप लोगों ने रीड देनी है, ट्विंस एंड फीटल मेम्ब्रेन्स मल्टीपल प्रेगनेंसीज को, ठीक है। और ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लें, ठीक है। और बाकी इसको अगर आप अपने भी हाफ पे रीड करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। कंजॉइंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, बस इसमें से यही है। इट इज ऑल अबाउट जनरल एम्ब्रियोलॉजी गाइडलाइंस, इट इज अप टू चैप्टर नंबर 7 विच कवर्स द जनरल एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। इट इज ऑल अबाउट जनरल एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम केएलएम विच कवर्स अबाउट 40 to about 60% ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू गाइज अबाउट द स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर्स। एक दफा आप लोग मार्किंग कर लेंगे ना, मतलब आप लोगों को एक पाथवे पता चल जाएगा कि हमने ये करना है, तो सारा साल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमने क्या क्या करना है, कहाँ से करना है। सीनियर्स से परेशान, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने अपना भी पढ़ना होता है। तो एक ही दफा आप लोग मार्किंग कर लें, ठीक है, बुक और पेंसिल पकड़ें अपने पास रखें, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसको साथ साथ ही टिक लगाते जाएं, ठीक है। ये हो गया जनरल एम्ब्रियोलॉजी। इन मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी का बता दूंगी। अब मेरा रोजा है, ठीक है, तो अब गले की भी बस हो गई है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में भी आपकी गाइडलाइन वीडियोज ऐसे ही शेयर होते रहें, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।